गंगा गौरव के इस सफर पर हम मिलेंगे कुछ ऐसे व्यक्तियों से जिनका जीवन किसी मिसाल से कम नहीं और जिनके वजूद के बिना शायद हम नहीं। नमस्कार, मैं राज सिंह वर्मा, आपका दोस्त। आज आप और हम रहेंगे हम कदम गंगा गौरव के इस सफर पर। जिन्हें था संस्कृत का प्रखर ज्ञान, जो थे हिंदू और बौद्ध धर्म के ज्ञाता, न्याय शास्त्र के ज्ञाता, सर गंगानाथ झा, जो बने संस्कृत कॉलेज के पहले भारतीय प्रिंसिपल, समूची उच्च शिक्षा की पुनर्रचना करने वाले व्यक्तित्व का नाम सर गंगानाथ झा है। गंगानाथ झा जी को सोम की तरफ से भी और अग्नि की तरफ, सूर्य की तरफ से दोनों विरासत में संस्कृत विद्या मिली थी। ब्रिटिश सरकार की तरफ से गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल चुने गए, पहले भारतीय प्रिंसिपल। किसी संस्कृत कॉलेज का प्रधानाचार्य बनना अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं। इस सब में उनकी बड़ी ही रुचि थी और बड़े रिनॉन्ड स्कॉलर के रूप में वो जाने गए। इतना ज्ञानी कि अंग्रेजों को कोई और मिला ही नहीं इस पद के लिए। कौन जाने यही प्राधीन भारत के स्वाधीन होने की शुरुआत हो। दिसंबर 1872 को मधुबनी जिले के सरिसपही गांव में जन्मे सर गंगानाथ झा ने अपने स्कूल की पढ़ाई दरभंगा जिले में अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहकर पूरी की। वो जिस जमीन पर, जिस मिट्टी में पैदा हुए थे, वो मिथिलांचल और वो जिस फैमिली में पैदा हुए थे, वो उस क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित ब्राह्मण फैमिली, जिसको कि सोत्रीय फैमिली बोला जाता है, उस फैमिली में पैदा हुए थे। स्वतंत्रता पूर्व के भारत की, ब्रितानी भारत में भारतीयता, भारत विद्या, संस्कृत और संस्कारों के निर्माण के साथ साथ समूची उच्च शिक्षा की पुनर्रचना करने वाले व्यक्तित्व का नाम सर गंगानाथ झा है। मातृशक्ति की ओर से, पितृशक्ति की ओर से जो आहुति मिली थी, सोम की जो आहुति मिली थी अग्नि में, वो आहुति, क्योंकि सोम और अग्नि दोनों नहीं मिलेंगे तो सृष्टि नहीं हो सकती है। चंद्रमा और सूर्य जब तक नहीं होंगे तो जगत संसार नहीं चल सकता है। जगत की स्थिति के लिए दोनों की आवश्यकता है। तो उसी तरह से स्त्री और पुरुष दोनों की आवश्यकता है। स्त्री सोम रूपा है और पुरुष जो है वो अग्नि रूपा है, सूर्य रूप है, और अग्नि सूर्य दोनों का समन्वय होता है तो संसार चलता है। तो दोनों तरफ से विरासत में गंगानाथ झा जी को सोम की तरफ से भी और अग्नि की तरफ, सूर्य की तरफ से दोनों विरासत में संस्कृत विद्या मिली थी। संस्कृत भाषा सर गंगानाथ झा के नस नस में बस गई थी। बोलचाल से लेकर संस्कृत भाषा में लिखी अलग अलग धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना उनके लिए एक मामूली सी बात थी। शायद इसकी वजह यह थी कि वो 7 साल की उम्र से ही संस्कृत का अध्ययन कर रहे थे। 1886 में वो बनारस आए और बनारस के संस्कृत कॉलेज में ही उन्होंने दाखिला लिया। में एमए की डिग्री प्राप्त करने के बाद 24 साल की उम्र में दरभंगा राज्य के महाराज ने उन्हें वहां की लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन नियुक्त किया। यहीं वो पढ़ते थे और लिखते थे। किताबों से तो उन्हें मोह था ही, पूरा टाइम किताबें पढ़ते, लिखते और सोचते रहते थे। वो लाइब्रेरी में ही थे और लाइब्रेरियन के पद पर ही कार्यरत थे यहाँ दरभंगा में, और यहीं से वो अपनी विद्वत्ता के बल पर या अपने विद्या वैभव के बल पर, अपनी प्रसिद्धि के बल पर यहाँ से इलाहाबाद गए। 1902 से 1919 तक इलाहाबाद के म्योर सेंट्रल कॉलेज में संस्कृत और दर्शन का अध्यापन किया उन्होंने। 1918 में ब्रिटिश सरकार की तरफ से गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल चुने गए, पहले भारतीय प्रिंसिपल। ये बहुत बड़ी बात तो थी ही, लेकिन इसके साथ साथ
उनके ज्ञानी होने का एक बहुत बड़ा प्रमाण था। इतना ज्ञानी कि अंग्रेजों को कोई और मिला ही नहीं इस पद के योग्य। उसी का नाम अब पड़ गया है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, यही है। सबसे कम उम्र के महामहोपाध्याय जिस संस्था में उन्होंने आचार्य किया था उसी संस्था ने उनको महामहोपाध्याय घोषित किया। यह पहली और अंतिम घटना है। सुनिए। हाँ जी कहिए। ये पहन के जाइएगा ना। ये सब तो ठीक है लेकिन। लेकिन क्या? लेकिन इतना बड़ा पद और इतनी बड़ी जिम्मेवारी। आप जैसे ज्ञानी व्यक्ति के लिए कुछ भी मुश्किल थोड़ी ना है। भारत अभी परतंत्र है और ऐसे में किसी संस्कृत कॉलेज का प्रधानाचार्य बनना अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं। कौन जाने यही प्राधीन भारत के स्वाधीन होने की शुरुआत हो। शायद तुम ठीक कहती हो। १९१९ में गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज जिसको उस समय के लोग क्विंस कॉलेज के नाम से जानते थे उसके प्राचार्य बने, प्रथम भारतीय प्राचार्य। इसके पूर्व 1848 से लगातार जब से ये पाठशाला से कॉलेज के रूप में आया था कोई न कोई अंग्रेज प्राचार्य ही होता था, लेकिन पहली बार गंगानाथ झा एक भारतीय गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज। यह गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज उस समय दुनिया में किसी भी विश्वविद्यालय से बड़ा शिक्षण संस्थान था, न केवल भारत बल्कि नेपाल में भी। अविभाजित तो भारत सहित नेपाल में जिससे संबद्ध महाविद्यालय चलते थे उस बड़े शैक्षिक संस्थान का जिसमें 1400 से अधिक संबद्ध पाठशालाएं और महाविद्यालय थे उसके बनने प्रथम भारतीय प्राचार्य बने। तो इनके पैंट और टाई को देख करके तो लोगों को हुआ था गवर्नर है, लेकिन ये जब खड़ा हुए ठीक उसके आगे में बांध है, बांध के बाद में गंगा है, गंगा के बिल्कुल किनार पर है साधु विलासराम। तो जब ये खड़ा हुए मंच पर तो ये जगन्नाथ विरचित संपूर्ण गंगा लहरी का पारायण खड़े खड़े पहले ये कर गए तब स्पीच देना शुरू। संपूर्ण गंगा लहरी का पारायण इन्होंने किया, मैं बैठा हुआ था सुन रहा था। अब सबको लगे कि ये आदमी गंगा लहरी का पारायण कर रहा है, इसको संस्कृत से क्या लगाव होगा, संस्कृत कैसे इसने इतना याद किया, कैसे पढ़ा। बड़े बड़े विद्वान भी थे, अद्वैत वेदांत सिद्धांत के वहाँ सन्यासी लोग थे, पूरे साधुओं की सभा थी, सब विद्वान होते हैं उसमें। और उनकी विद्वत्ता और उनके उच्चारण और उनके श्लोक पाठ को देखकर लोग अंगुली को दांत से काट रहे थे कि ये गवर्नर और गंगा लहरी का पारायण। तो उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मैंने तो सोचा कि मैं हरिद्वार में आया हूँ, साधु संतों का आश्रम है, वेद वेदांत का उपदेश हम सुनेंगे, यहाँ विद्या की बात होगी। लेकिन गेट पर जब आया तो मुझे तो सैल्यूट दिया गया, क्योंकि वो जो बॉडीगार्ड लोग होते हैं पर्सनल गार्ड सब, वो तो वो साधु संत भी ऐसे बड़े संपन्न थे, तो गेट पर उनके यहाँ जैसे पुलिस सलामी देती है उस तरह से उनको भी सलामी दी गई क्योंकि उनके अपने लोग थे। तो इस पर उन्होंने कटाक्ष किया कि साधु संतों के आश्रम में तो शास्त्रों की चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हमको सलामी दी गई और ये यहाँ कैसे हुआ। और उसके बाद में उन्होंने अपना भाषण किया और फिर भाषण भी कर दिया। इसके लिए जीवन में उतने बड़े व्यक्ति होने के बाद भी उन्होंने एक संकल्प रखा था कि किसी को अपॉइंटमेंट नहीं देना है दूर तक का। उनसे कोई मिलने की बात करता था तो उसको तुरंत बुला लेते थे अथवा कहते थे जब भी आपके पास समय होगा आइएगा, मैं आपसे मिल लूंगा, अन्यथा अपने समय का एक क्षण भी किसी को प्रतीक्षा कराने में व्यतीत करना, किसी की प्रतीक्षा करने में व्यतीत करना यह संभव न था।